नल है सिप्रस मोफलंस वर्सेस मार्खोर के बीच होने वाले आज के तीसरे एशिया स्थितन मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितने और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग इलेवन क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम मैच जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा ये एक हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का तो मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पर हमारे 70,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, अभी ज्वाइन हो जाना, आगे आने वाले मैचेस जैसे आईपीएल मैच हो गया या फिर 10 ओवर वाले लेवल के मैचेस हो गए, जो भी मैच मैं कवर करूंगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा। आगे आने वाले मैचेस मान लो किसी मैच की मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा फिर भी वो मैच में मैं अपने पैसे लगा रहूँगा, तो अपनी जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट में स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी वीडियो के टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे ना, आप सीधे सीधे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप इस ब्लू लिंक पर क्लिक करोगे पहुंच जाओगे लिंक टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप इस ब्लू लिंक पर क्लिक करोगे ना सीधे सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना, आगे वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा ये जो मैच है मुझे लगता है कि सिप्रस मोफलंस की टीम को जीतने के चांसेस ज़्यादा है, सिप्रस मोफलंस की टीम ने इस सीज़न में आखिरी के जब अपने 5 मैचेस खेल रखे उसमें से 4 मैच जीत करके एक मैच अपना हार करके आ रही है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम आपको यही देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले ये जो मैच होने लगी आपको लिमासॉल के स्टेडियम को और देखने को मिलने वाला है, जहाँ का एवरेज स्कोर आपको 103 रन करीब का देखने को मिला हुआ आखिरी के 5 मैचेस के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है। अगर सिप्रस मोफलंस की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो 120 रन करीब बना करके दे सकती है, वही मार्खोर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो 100 के करीब आपको स्कोर बना करके दे पाएगी। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा जिसान अली का बल्लेबाजी करूँगा, कई बार तीसरे नंबर पर आएगा, कई बार ये 9वें नंबर पर भी आएगा, तो कुछ भी कन्फर्म नहीं है, ऐसे प्लेयर को रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। जी मुर्तजा, गुलाम मुर्तजा का भी सेम हुआ, बल्लेबाजी में काफी नीचे आएगा। एन कमार भी इस सीजन में एक बार ऐसा हुआ है जहां पे ये बल्लेबाजी में तीसरे पे आया हुआ है, एक बार ऐसा हुआ जहां पे ये बल्लेबाजी में 4 पे आया हुआ है, बाकी बचे हुए सभी मैचेस में इसका बल्लेबाजी क्रम 10वें नंबर करीब रहा है, इसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। जिसान सरवार को ही लेकर के चलूंगा, जो कि सिप्रस मोफलंस की टीम जो कि मैच जीतने वाली है उसी की टीम को से बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा और इस समय ऐसा विकेट कीपर खेलेगा, आपको कैचेस पकड़ के रन आउट करके स्टंपिंग करके भी दे सकता है। बल्लेबाजी ऑप्शन है सबसे पहले यहां से जिसान अहमद जो कि बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा, कल के मैच में इसको ना ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला ना ही बॉलिंग करने का मौका मिला, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया लिमासॉल जालमी की टीम के खिलाफ, लेकिन उससे पहले यहां पे बल्लेबाजी बॉलिंग दोनों चीज किया, यहां पे भी बल्लेबाजी बॉलिंग दोनों चीज किया, निकोसिया फाइटर्स के खिलाफ भी यहां पर इसने सिर्फ बल्लेबाजी किया, यहां पर भी सिर्फ बल्लेबाजी किया, यहां पर भी सिर्फ बल्लेबाजी किया हुआ, बॉलिंग से एक ही ओवर किया हुआ है, यानी कि मेनली जो बल्लेबाज है, लेकिन कई बार आपको बॉलिंग से भी अच्छा करके दे सकता है। आज का जो पहला टी10 मैच है वो जो 11 बजे शुरू हो रहा है वहां पे मारखोर की टीम ओर से जिसान अहमद ऐसा बल्लेबाज खेला हुआ, यानी कि बल्लेबाजी में ओपनिंग किया हुआ, बॉलिंग वहां पर भी नहीं किया, यानी कि इस समय जो बल्लेबाजी मेनली करेगा एच रहमान, जो कि बल्लेबाजी में 5वें 6 नंबर करीब आएगा, लेकिन मेनली जो बॉलर आपको बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। एम हुसैन को भी लेकर के चलूंगा, जो कि सिप्रस मोफलंस की टीम ओर से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा, हर बॉल पर छक्के चौके मारने वाला प्लेयर, हिट और मिस वाला प्लेयर, अगर चला तो लंबा चलेगा, नहीं चला तो पहली बॉल पर अपना विकेट गवा करके जा सकता है। ए बकार सिद्दीकी को आप लेकर के चल सकते हो, मान लो कि ये तीनों बल्लेबाजों में से कोई प्लेयर ना खेल रहा हो तो अगला प्लेयर मैं यहां से बकार सिद्दीकी को लेकर के चलूंगा, जो कि बल्लेबाजी में 5वें नंबर पर आएगा, 10 बॉल खेल लिया 20 रन बना देगा, 20 बॉल खेल गया 40 रन बना करके दे देगा, बस इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसका बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे रखा गया है। और रोनी को ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा प्लेयर रहेगा वकास अख्तर, जो कि बल्लेबाजी में भी कई बार ऐसा ओपनर ऐसा रहा है, बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा कर रहा है, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ आपको पूरा करके देगा, पूरा बैकअप लेकर के चला हुआ है और ऐसा कैब इसे आपके लिए फैंटेसी के लिए नंबर 1 चॉइस रह सकता है। वकार अली को लेकर के चलूंगा, बल्लेबाजी में 7 नंबर पे आएगा, मेनली जो है बॉलर है, बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। सुलहरी का भी सेम वही है, मेनली जो है बॉलर है,
बल्लेबाजी में ये भी आपको 6 रन हो पाएगा, बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करके देगा, मेनली ये भी आपको बॉलिंग से ही अच्छा करके दे सकता है। गुरदीप शर्मा जो कि बल्लेबाजी में 3 पे आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। इसके अलावा तरनजीत सिंह की बात करें, सिप्रस मॉफलर्स की टीम का सबसे अच्छे प्लेयर्स में से एक है, जो कि बल्लेबाजी में भी आपको कई बार 4 नंबर पर कई बार 5 नंबर पर आ जाएगा, प्लस आपको बॉलिंग से ये भी 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। मेनली ये भी जो है बॉलर है, बॉलिंग से ही आपको ज़्यादा अच्छा करके देगा। ती हुसैन ये भी पूरी तरीके से बॉलर ही है, 2 ओवर बॉलिंग ये भी पूरा करके देगा, बल्लेबाजी में काफ़ी नीचे आएगा 7-8 नंबर करीब। इसके अलावा यहाँ से हम कमार की बात करें, आखिरी मैच में 1 भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, उससे पहले वाले मैच में भी 1 भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, उससे पहले वाले मैच में भी सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग किया हुआ है, उससे पहले वाले मैच में इसने 2 ओवर बॉलिंग करके इसको 3 विकेट मिले हुए थे निकोसिया फाइटर्स के टीम के खिलाफ, बाकी इसको बॉलिंग दिया ही नहीं जा रहा है। तो अगर आप किसी यहाँ पे आप चाहो तो ती हुसैन को लेकर के भी चल सकते हो, यहाँ पे आप 6 और 3 बल्लेबाजों को लेकर के चल सकते हो। अगर आप D11 चैलेंजर्स के फ्लैक्सी मोड ऐप के ऊपर खेल रहे हो, 11 चैलेंजर्स के भी फ्लैक्सी मोड के ऊपर आप सेम D11 जैसी टीम बना करके खेल सकते हो। तो बॉलिंग ऑप्शन आपको क्या करके चलना होगा कि लखविंदर सिंह हो गया, ये सोहेल हो गया, एम बिलाल हो गया। देखो ये सोहेल जो इस समय मारखोर की टीम को से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में कहाँ पे आ रहा है, बल्लेबाजी में आपको लगभग कई बार ओपनिंग कर दे रहा है, कई बार 3 पे आ रहा है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, कई बार इसका बल्लेबाजी क्रम 7 नंबर पर भी आ रहा है ना, तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये चीज इसका जो बल्लेबाजी क्रम है कभी भी कंफर्म नहीं रहेगा, क्योंकि अपनी कप्तानी कर रहा है तो कभी भी ऊपर अपने आप को ले आ रहा है, लेकिन मेनली जो है बॉलर है, बॉलिंग से आपको कई बार 1 ओवर और कई बार 2 ओवर बॉलिंग पूरा भी करके देगा। लखविंदर सिंह का भी सेम वही है, कई बार 1 ओवर कई बार 2 ओवर बॉलिंग पूरा भी करेगा, और कई बार ऐसा भी होगा जब ये 1 भी ओवर बॉलिंग नहीं करेगा, जो कि लिमासोल जालमी के खिलाफ हुआ है। एम बिलाल जो कि बॉलिंग से ओपनर तक करेगा, अपनी टीम का सबसे मेन बॉलर्स में से एक है, कई बार 1 ओवर कई बार 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके देगा। अगर आप मान लो किसी ऐसे आपको खेल रहे हो जहां पे आप 4 ही ऑर्डर्स को लेकर के चल पाओ, वहां पे आप सेफ ऐसा ये तीनों प्लेयर्स को लेकर के चला, क्योंकि यू फरूख को प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया, गुरविंदर सिंह को कोई ज्यादा बॉलिंग करने का मौका मिलेगा नहीं, आसिफ महमूद का जितना उम्मीद था उस तरीके का परफॉर्मेंस भी नहीं करके दे पा रहा है, और जो टीम है ना, ये जो मारखोर की टीम है, मारखोर की टीम के मुझे हारने के भी चांसेस लग रहे हैं, और मारखोर की टीम अगर मैच हारेगी तो आसिफ महमूद के ऊपर मैं रिस्क लेकर के नहीं चलूंगा, बाकी यहां से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं, के अरोड़ा को खिलाया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि अरोड़ा का भी रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, आखिर के 2-3 दिन के मैच 1 ही ओवर बॉलिंग किया जहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिला, सेम वैसा ही मैं आपको रिकॉर्ड यहाँ से एक और प्लेयर जिसको खिलाया जा रहा है सहमत का भी है, आखिर के 4 मैचेस में इसने सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर बॉलिंग कर रखा है जहाँ पे इसको 1 भी विकेट नहीं मिला हुआ है, तो ऐसे प्लेयर्स को रिस्क अभी फिलहाल कर मैं लेकर के चलूंगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बॉलिंग करने का भी मौका मिलेगा। गुरविंदर सिंह का भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस में इसको बॉलिंग मिल ही नहीं रहा है, देखो कि यहाँ पे भी इसने सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग किया, पहले मैच में भी इसका सेम वही है मारखोर के खिलाफ भी इसने 1 ही ओवर बॉलिंग किया, इससे पहले जब इसने खेला यहाँ पे भी श्रीलंकन लॉयस के खिलाफ भी इसने 1 ओवर भी बॉलिंग नहीं किया हुआ, यानी कि 3 मैच में सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग किया हुआ है, तो मजबूरी में तीनों को लेकर के चलूंगा। वहीं अगर मैं D11 ये हमारी टीम हो गई जो कि 11 चैलेंजर्स स्पोटेसियो कुबेरा ऐप के लिए रहेगा, जहाँ पे आप 4 ही ऑर्डर्स को लेकर के मैक्सिमम चल पाओगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसे ऐप को खेल रहे हो जहाँ पे आप 6 ऑर्डर्स को भी लेकर के चल पाओ, वहाँ पे सोहेल और लखविंदर सिंह को ना लेकर के आप सीधे सीधे तरनजीत सिंह और ती हुसैन को लेकर के चलना, या फिर आप चाहो तो एम हुसैन को ना लेकर के एक और बॉलर एक्स्ट्रा या जैसे कि लखविंदर सिंह को आप लेकर के चल सकते हो। और फिलहाल के लिए मैंने सारे ऐपों के लिए इस तरीके की टीम बना करके दिया हुआ है, जहां पर मैं इस तरीके की अभी टीम बना करके चल रहा हूँ। कैप लेकर के चलूंगा जिसका नाम डब्लू अख्तर और VC गुरदीप शर्मा को लेकर के चलूंगा, ये एक हमारे एनालिसिस बेस्ड की टीम है। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो, इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको भेज दूंगा, तो ज्वाइन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अक्सर सबसे ऊपर पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप इस ब्लू लिंक को क्लिक करोगे सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को पहुँचोगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।